नमस्कार मित्रों, कब्ज के बारे में हम बात कर रहे थे। खुशी शांति का संबंध कब्ज के साथ है, ये भी हम बात कर रहे थे। हम आपको बताएंगे कि कब्ज भोजन के साथ कब्ज का बहुत बड़ा संबंध है, और बताया भी था कि फाइबर फूड का क्या रोल है कब्ज को ठीक करने के लिए। नॉन फाइबर फूड में क्या क्या आता है वो भी बताया था। मैदा का क्या रोल है कब्ज को बनाने में ये भी बताया था। कैसे अवॉइड करना चाहिए, चोकर का आटा खाना चाहिए ये भी बताया गया था। अब मैं आपको बताऊंगा स्निग्ध और रुक्ष भोजन। स्निग्ध मतलब चिकना भोजन, तला फ्राइड, और रुक्ष मतलब रूखा भोजन, बिना नॉन ऑयली, बिल्कुल ही ऑयल यूज ना करने वाला रूखा भोजन, रुक्ष भोजन के। योग की भाषा में या आयुर्वेद की भाषा में कहा जाए तो स्निग्ध और मधुर आहार, स्निग्ध और मधुरम मतलब मधुर आहार ही अच्छा आहार होता है, यानी मीठा, और मीठा मीन्स चीनी वाला मीठा नहीं। हम मीठे को चीनी के रूप में मानते हैं जिसमें वाइट शुगर यूज़ किया जाता है, हम उसे ही मीठा मानते हैं, बट ये गलत भ्रांति है। मीठा बहुत तरीके से होता है, गुड़ से भी होता है, शहद से भी होता है, मिश्री से भी होता है, और भी बहुत सोर्सेज हैं मीठे के, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी बहुत सारी मिठास होती है, ग्लूकोज होता है। तो जो मधुर और स्निग्ध यानी कि चिकना आहार है वो हमारे लिए अच्छा आहार होता है, हमारे लिए हितकारी होता है, ये आयुर्वेदा कहता है। दूसरा आहार है रुक्ष आहार, जिसके अंदर बिल्कुल ऑयल नहीं होता। जैसे कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं बंगाल बिहार के साइड जहाँ गरीब लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा वो रूखा यानी कि सिर्फ चावल पे रहते हैं, सब्जी भी उनको शायद ना मिलती हो या बहुत कम मिलती है, और वैरायटीज नहीं होती, और ज़्यादा तेल घी यूज़ नहीं करते, खासकर घी, तो वो रूखा आहार करते हैं और उनके दिनचर्या में रूखा आहार इंटेक ज़्यादा होता है, तो वो भी एक कब्ज का कारण है। और स्निग्ध आहार तो हम जैसा जानते हैं कि जो फास्ट फूड, जंक फूड और फ्राइड फूड्स और जितने भी नॉर्थ ईस्ट इंडियन के जो भी फूड होते हैं, पंजाबी सारे, सब में मक्खन घी और इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, जो कि हमारे कब्ज, हमारे इंटेस्टाइन में मल को आगे रिलीज होने से रुकता है, क्योंकि वो चिकनाई होती है वो मल में चिपक जाती है और वो आगे नहीं बढ़ने देता। फिर आप सोचेंगे कि हम इतना भोजन करते हैं और जाके भी आते हैं, मीन्स उसको स्टूल पास हो जाता है, फिर भी ये कब्ज की बात कैसे हो रही है। आप एक गलत भ्रांति पाले होते हैं कि आपका स्टूल पास हो रहा है तो आपको कब्जियत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कब्ज बहुत सारे, बहुत लोगों को परसेंटेज रेशियो जो है कब्ज होने के, इस बीमारी को जूझने की, जिस आपको नहीं भी पता हो तब भी वो आपके साथ हो रहा होता है, तो ऐसे लोग बहुत पेशेंट है, पेशेंट ही बोलना चाहिए, जो कब्ज को सफ़र कर रहे होते हैं। तो जो आपने फूड खाया वो इंटेस्टाइन में चिपक गया चिकनाई वाला, और जो दूसरा खाया या नॉर्मल फूड खाया जो ज़्यादा फाइबर वाला है वो रिलीज हो गया, तो जो चिपका रहता है वो सड़ान पैदा करता रहता चला जाता है। फिर हमें काम में लेना होता है फाइबर फूड। इस स्थिति में रूखा भोजन खाना अति उत्तम होता है, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड घी और इस टाइप की चीज़ें, स्निग्ध यानी कि चिकनाई वाली चीज़ें बहुत खा ली हैं, जो इंटेस्टाइन में फंस जाता है, रुक जाता है, चिपक जाता है, उसको रिलीज करने के लिए फाइबर खाया जाता है, जो कि उसको घर्षण के थ्रू उसको बाहर निकाल दे। फिर भी अगर कब्ज की प्रॉब्लम रहती है फाइबर फूड लेने के बाद भी पुरानी कब्ज है, तो अमलतास दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, अमलतास जिसको देसी भाषा में गुड़ लकड़ी भी कहते हैं, तो उसकी जो फली होती है वो हरी फली होती है और वो सूखने के बाद चॉकलेटी कलर की हो जाती है, चॉकलेटी कलर की हो जाती है, ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश, उसमें से उसके अंदर का जो बीज के ऊपर का जो लेयर होता है गुदा का, उसको निकाल के और पानी में रख के, पूरी रात रख के सुबह आपको छान के पीना होता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। वो बाल जीवन घुटी में बच्चों में भी काम, बच्चों के बाल जीवन घुटी में भी काम लिया जाता है, इसलिए वो इतना हमारे लिए सेफ़ है। जो बच्चों की घुटी में काम लिया जाता है तो सोचो कि आप वो कितना ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए अच्छा होगा, बड़े के लिए तो कोई हार्मफुल चीज़ है ही नहीं वो, तो उसे लीजिए, अपनी कब्ज, पुरानी से पुरानी कब्ज दूर करिए। विरेचक चूर्ण में बहुत सारे चूर्ण आते हैं, आंवला विरेचक में ही आता है, जो विरेचक का मतलब होता है कि रेचन, बाहर निकाल देना, रेचन का मतलब होता है बाहर निकाल देना, पूरक मतलब लेना, तो जो रेचन विरेचन है बाहर निकालना यानी कि कब्ज को दूर करना, उसके जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें त्रिफला है, और त्रिफला में तीन चीज़ होती है, तीन इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, हरड़ भरड और आंवला, इन तीनों का कंपोजिशन बना से ही एक त्रिफला चूर्ण का निर्माण होता है, उसके आजकल लिक्विड फॉर्म में भी आने लगा है। तो त्रिफला लीजिए, हरड़ लीजिए, सेपरेट हरड़ ले सकते हो, सेपरेट आंवला भी ले सकते हैं अपने कब्ज को ठीक करने के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे आजकल मार्केट में ब्रांड्स हैं और बहुत सारे नाम से ये चीज़ें बिक रही हैं, तो आप यूज़ करिए। कब्जियत नहीं होनी चाहिए, जो मल आपके इंटेस्टाइन में चिपक गया है ऑयली, उसको निकालने के लिए ये बहुत बड़ा योगदान देता है। तो एक तरफ से आप विरेक्षक चूर्ण ले रहे हैं, दूसरी साइड से आपको ऑयली चीज़ छोड़ देनी पड़ेगी, तभी इसका बैलेंस हो सकता है। फिर दूसरी बात आती है रुक्ष भोजन, जो बिल्कुल रूखा करते हैं उनको स्निग्ध चाहिए।
एक मैं एग्जांपल से इस बात को समझाऊं। पुराने वैद्य के पास दो पेशेंट आए। एक पेशेंट को उसने बोला कि तुम बहुत तला भुना खाते हो और आज से तुम्हारा तला भुना बंद, और बिल्कुल रूखा भोजन खाओ, स्प्राउट खाओ, जो भी जितने भी रूखी चीज़ें हो सकती है वो सारी उनको रिकमेंड कर दी, प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया। देसी डॉक्टर था, अपने तरीके से इलाज बताया। वो जैसे ही उठा, दूसरा मरीज आया, बड़ा जैसे लगा टीबी का मरीज हो, मर सा गया हो, मतलब बिल्कुल रुग्ण। और उसको उसी वैद्य ने बोला कि आपको आज से फ्राइड और बहुत चिकनाई वाली चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट करनी है और उसको बढ़ाना है, क्योंकि शरीर के अंदर बिल्कुल ऑयल ख़त्म हो गया है। तो ये दोनों में विरोधाभास क्यों? एक ही वैद्य दो पेशेंट और दोनों को अलग अलग तरीके का इलाज, एक का बिल्कुल ऑयल बंद है, एक का बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑयल बढ़ाने की, धीरे धीरे ऑयल बढ़ाने का, यानी कि स्निग्ध बढ़ाने का, स्निग्ध भोजन बढ़ाने का, यानी चिकनाई युक्त भोजन बढ़ाने का सजेशन। ऐसा क्यों? सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। शरीर में ऑयल ना भी हो जाए तब भी अच्छा नहीं होता। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो US से आए हैं, रियल में लिटरली मैंने ऐसे देखा है, उनको फेस किया, उनको योगा करा के ठीक किया है, कि वो US से और जीरो ऑयल के थ्रू उन्होंने 6-pack एब्स बनाए। एब बनाने के बाद वो विक्षिप्त की स्थिति में आ गए। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, विकसित मतलब मेंटल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई उनको, क्योंकि बॉडी को ऑयल भी ज़रूरी होता है एक निश्चित मात्रा में, और वो कम हो गई थी और उन्होंने बहुत सप्लीमेंट लेना शुरू किया था। हालांकि उन्होंने स्टेरॉयड भी लेना शुरू कर दिया था, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर उन्होंने काम किया अपने बॉडी पे, और उन्होंने उस चीज़ को प्राप्त भी किया जो उन्हें अचीव करना था, वो किया, बॉडी बनी, डोले सोले सब बने, और बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे डीप चीज़ों को उन्होंने पकड़ा, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा इस चीज़ में एडवांस नहीं है। चाहे कितना बड़ा जिम चले जाओ, मैं कुछ एक जिम को छोड़ दें तो बात करूँगा उन ट्रेनर्स की, उन जिम वाले जगहों की, या जिमनेजियम की जहाँ पे ये ट्रेनिंग होती है या कराए जाते हैं, ट्रेनिंग फिजिकल एक्टिविटी होती है, वहाँ पे पैरों, लेग्स के और थाइज और काफ के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता। तो उन्होंने वो प्रॉपर किया, फिर भी एक लेवल पे आके उनको इस स्थिति से जूझना पड़ा। तो यानी कि जीरो ऑयल भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ऑयल भी खाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सिर्फ मात्रा का पता होना चाहिए कि मात्रा क्या होगी, सिर्फ इसका बैलेंस, एक बैलेंस का नाम ही ज़िंदगी है। अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तब भी अच्छा नहीं, और कुछ कम हो जाए तब भी अच्छा नहीं, ये हर चीज़ में काम आता है। जैसे pH जो मापक्रम होता है, pH का लेवल कम बेसी हो जाए तब भी अच्छा नहीं होता। तो अल्कलाइन एसिडिक फूड का जो बैलेंस होता है, वैसे ही हमारे बॉडी में हर चीज़ का बैलेंस है। अल्कलाइन भी बहुत ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं, उसके जो लिमिटेशन है, उसके जो डॉक्टर उसको बताते हैं कि इस लेवल पे वो pH बैलेंस रहता है, जितनी अल्कलाइन ज़रूरी है उतनी होनी चाहिए। हालांकि हमारे फूड में ऐसा होता नहीं है, तो अल्कलाइन बहुत कम होता है, एसिडिक ज़्यादा होता है। फिर भी अल्कलाइन ज़्यादा हो जाए, एसिडिक से बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी अच्छा नहीं है। तो एक लेवल मेंटेन करना ही नाम ज़िंदगी है, और वही हमारे साथ हमारे स्टमक से रिलेटेड चीज़ों में भी होना चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन में ऑयली फूड का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार उस वैद्य ने एक को ऑयली खाने का बोला, एक को ऑयल छोड़ने का बोला, तो ये एक विरोधाभासी बात थी, बट ये ज़रूरी था। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसने उस तरीके से उसको ट्रीट किया। तो ये हमें भी हमारे बॉडी का नेचर पता होना चाहिए, और किस दौर से बॉडी गुजर रही है ये पता होना चाहिए, किस टाइम में क्या चाहिए इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप अगर ज़्यादा, ये तो आजकल हो चुका है कि ज़्यादा ऑयली खाने वाले को ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम इसी बात पे आएंगे कि आपको ऑयली अवॉइड करना चाहिए, लेते हैं तो विरेचक चूर्ण काम में लेना चाहिए। फिर आगे से आगे हम अगले एपिसोड ही बोलना चाहिए, अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कैसे एक्सरसाइज से कब्ज ठीक किया जाता है, जो सबसे बड़ा मेन, सबसे बड़ा इश्यू है कि एक्सरसाइज ना करना। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।